हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2022 के बारे में, क्या कुछ लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे क्या रहने वाली है। आपका बताइए कि जो आपके एग्ज़ाम है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं सारे फेजेस के, फेज़ 1, 2, 3, 4, 5। अब बात करेंगे दोस्तों कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। जैसे कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि हर स्टूडेंट ने लगभग लगभग अगर हम बात करें तो हमने कई सारे फेजेस के स्टूडेंट से बात की और उन्होंने यही बताया कि लगभग लगभग जो अटेंडेंस है आपकी वो 45 से 50% के आसपास रही है। कई बार तो जो अटेंडेंस है वो मात्र 30% यहाँ पे गई है। तो बात करें लगभग लगभग 45 से 50% आपकी जो है ओवरऑल अटेंडेंस है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं जो कॉम्पिटिशन है वो सीधा ही काफ़ी कम हो चुका है यहाँ पर। और जो भी अच्छे स्टूडेंट्स थे उनकी लगभग इस 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं जो है उनके चांसेस है कि हमारा इस एग्ज़ाम में हो सकता है, तो उन्होंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम यहाँ पर छोड़ दिया है। अब बात करेंगे जो एग्ज़ाम यानी कि सारे फेजेस के यहाँ पे एग्ज़ाम होने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके यहाँ पे क्या रह सकती है। पूरे फेजेस का एनालिसिस करने के बाद पेपर की लेवल की बात करें तो पेपर का जो लेवल है आप सब लोगों का वो यहाँ पे मेंटेन रखा गया है। तो अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम है वो यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अब बात करेंगे कट ऑफ की, जो कट ऑफ है वो यहाँ पर क्या रह सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें यू आर कैंडिडेट्स के लिए, तो दोस्तों ये सारे फेजेस की और ये ओवरऑल कट ऑफ है कि आपके जोन वाइज नहीं है, तो दोस्तों एक एवरेज कट ऑफ है जो आपके हर जोन में। तो जनरल कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 64 से 70 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जा सकती है। EWS और OBC में थोड़ा बहुत अंतर है। लगभग अगर हम बात करें तो इस बार EWS की जो कट ऑफ है वो कम जाने के चांसेस है, क्योंकि काफ़ी कम जो है फॉर्म EWS से यहाँ पर भरे गए। तो अगर हम OBC की बात करें तो OBC की जो कट ऑफ है 63 से 67 के आसपास रह सकती है। SC कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 56 से 62 के आसपास आपकी जो कट ऑफ यहाँ रह सकती है। और ST कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 47 से 56 के आसपास यहाँ पे जो है कट ऑफ रह सकती है। EWS ही कट ऑफ है जो हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप सब लोग बताइए कि जो कट ऑफ है वो इस बार अगर हम बात करें तो EWS के काफ़ी कम कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए, तो उस हिसाब से जो कट ऑफ है वो वेरिएशन कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें UR, OBC, SC, ST कैंडिडेट्स की, तो लगभग लगभग इसी के आसपास आपकी जो है कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली। दोस्तों ये मार्क्स के बेसिस पे, लेकिन अगर हम बात करें परसेंटाइल पे तो फिर आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी अगर हम बात करें परसेंटाइल में, क्योंकि परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही आपका जो है इस बार रिजल्ट निकाला जाएगा। पिछली बार की तरह नॉर्मलाइजेशन में आपके यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें 2018 के अंदर जो नंबर है वो काफ़ी बढ़े थे यहाँ पे स्टूडेंट्स के 20, 20, 22, 22। तो इस बार आपका जो है परसेंटाइल के बेस पे है, तो और अगर आपके इतने जो है स्कोर अगर नंबर बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 1,03,000 काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए। इतनी बड़ी वैकेंसीज आई है और बिल्कुल आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। अगर आपके इतने नंबर बन रहे तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सेफ रहेंगे।